हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए प्यारा होने वाला है। और इस वीडियो में हम सिखाएंगे बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे करें। तो आप भी इतना ही प्यारा बैकग्राउंड करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर से ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा पहले का फ़ोटो जो कि एडिट किया हुआ नहीं है। और अपन ये भी देख सकते हैं, ये फ़ोटो को एडिट किया है हमने। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपन आगे की ओर। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो वो फ़ोटो आप लाइटरूम में ऐड कर लेना। तो अपन चलते हैं लाइटरूम में। अपन आ जाएंगे सबसे पहले लाइटरूम में। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो वो फ़ोटो आप लाइटरूम में ऐड कर लेना। तो मैं अपना फ़ोटो पहले ही लाइटरूम में ऐड कर रखा हूँ, ये वाली फ़ोटो। तो इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जिस फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लेना। तो अपन इस फ़ोटो को एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए अपन एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये जो कि तीसरे नंबर का है, नीचे से भी तीसरे नंबर का है, ऊपर से भी तीसरे नंबर का है। तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपन यहाँ से आ जाएंगे कलर वाला ऑप्शन पर, जो कि आपको ये कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस कलर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको हल्का सा बढ़ा देंगे। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, पर अपन को नॉर्मली रखना है अपने फ़ोटो के हिसाब से। तो आपको जितना आपके फ़ोटो पे जचे उतना ही रखना है, नहीं तो फिर आप ज़्यादा करोगे तो फिर वो अपना फ़ोटो बेकार हो जाएगा। तो इसको अपन नॉर्मली रखना है। और इसके बाद अपन आ जाएंगे यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पे। कलर वाला ऑप्शन पे आने के बाद इसको जो आपको ये रेड वाला दिख रहा है फर्स्ट वाला, इसको अपन हल्का सा प्लस में कर देंगे। हल्का सा करना, ज़्यादा नहीं रखना है, नॉर्मली रखना है अपने को। इसके बाद अपन आ जाएंगे सेकेंड वाला ऑप्शन पर, जो कि ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है सेकेंड में। सेकेंड वाले पर अपन क्लिक कर देंगे। सेकेंड के सेकेंड वाला इसको कर देंगे अपन माइनस में, 15, 20, 30 जितना अपने फ़ोटो के हिसाब से, फेस के हिसाब से उतना अपन इसको रख लेंगे। ये इसको अपन हल्का सा कम भी कर लेंगे। और ये थर्ड वाले को अपन जितना हो सके, आप ये देख सकते हो ये अपने फेस के लिए होता है, आप अपने फेस के लिए देख सकते हो कितना ये अपने फेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप अपने ज़रूर कर लें और अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको रखें तो इतना अपने फ़ोटो पर अच्छा लग रहा है। तो इसको नॉर्मली रखें। और ये आप वीडियो पूरा अंत तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आधा अधूरा समझ में आएगा तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसको अपन क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपन को ये लास्ट में जो आपको ये तीर का निशान दिख रहा है, इस वाले अपन पर क्लिक कर देंगे और आ जाएंगे हल्का सा नीचे की ओर। और एक प्रीसेट का इस्तेमाल करेंगे। और प्रीसेट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसके सहारे से आप कोई भी फ़ोटो सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर आप एडिट कर लोगे। और अगर आपके पास ये प्रीसेट नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर भेज दूँगा ये प्रीसेट। तो अपन ये वाला प्रीसेट का इस्तेमाल करने वाला है, जो कि रेड प्रीसेट है, रेड बैकग्राउंड है, हल्का रेड बैकग्राउंड है। तो इसके लिए अपन इसको इस्तेमाल करने के लिए ये आपको दिख रहा है कुन्नर पे 3 डॉट है, इस पर अपन क्लिक करेंगे। और यहाँ से ये वाला ऑप्शन पे कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से राइट कर देंगे। राइट करने के बाद अपन एक बार और बैक आ जाएंगे और जो अभी आप फ़ोटो एडिट किए थे उसको एक बार और अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको अपन जो फ़ोटो एडिट किए थे उसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपना फ़ोटो कहाँ गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अपना ये वाला फ़ोटो है जो कि अपन इसको हल्का सा एडिट किए थे। सिलेक्ट करने के लिए अपन जो कॉपी किए थे अपन उसको अपन यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए 3 डॉट पे अपन क्लिक करेंगे। ऐसे 3 डॉट पे क्लिक करके हल्का सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो 5वें 6वें नंबर पर जो कि पेस्ट सेटिंग। तो यहाँ पर अपन पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। तो ये अपना आप देख सकते हो कितना प्यारा अपना बैकग्राउंड हो चुका है एक ही स्टेप में। तो आप ये देख सकते हो ये अपना पहले का फ़ोटो, ये आपका फ़ोटो जो कि कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको अपन हल्का सा और इसको अच्छा बनाने के लिए एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ से अपन आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर और इसको हल्का सा कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अपन को यहाँ से थोड़ा सा कम कर देना है और यहाँ से अपन को इसको डन कर देना है। डन करने के बाद कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर देना है। तो ये हो चुका अपना फ़ोटो एडिट। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसको अपन गैलरी में सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पर अपन क्लिक करेंगे। यहाँ से फर्स्ट नंबर वाले आप देख सकते हो सेव कॉपी टू डिवाइस लिखा हुआ है, इस पर अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ही अपन ओके पे बटन क्लिक कर देंगे। तो ये हो चुका अपना फ़ोटो सेव। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।